नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में समाजवादी विकास विजन और समाजवादी न्याय कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिले के सिधौली में आयोजित हुए कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुशील सरोज ने बीजेपी के द्वारा किए गए झूठे वादों की जमकर धज्जियां उड़ाई। पूर्व सांसद ने इस दौरान कहा कि जिन अच्छे दिनों के सपने दिखाकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, वो अच्छे दिन कब लाएंगे। वहीं पूर्व विधायक मनीष रावत ने समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश में रहते हुए किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। है कि देश से भाजपा को हटाना है, तो यही मैं कहना चाहूंगा सभी साथियों से, काफी पूरी टीम से मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ आप लोग लगे। हमारे बीच में जिले अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं, सब लोग उपस्थित, मैं सबका आदर धन्यवाद देता हूं। और अभी कई मीटिंग कार्यक्रम लगे हुए हैं क्षेत्र में, और टीम लीडरों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने अच्छी मीटिंग कराई। अभी दादा लोग कह रहे थे कि अगर आप लोग यहाँ ना आए होते तो हम खेत बचा रहे होते। हमारा लोग दिमाग खेत पे रखा हुआ है, जब काम किया हुआ है, तो मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।